उत्तराखंड वासियों को महंगाई का झटका। बिजली के लिए उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे और अधिक रुपए। प्रदेश में 9.64% महंगी हुई बिजली। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। उत्तराखंड में 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का जोर का झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी कैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी किया, जिसके तहत घरेलू उत्पाद के लिए बिजली 6.98% महंगी हो गई है, जबकि कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली 11.41% महंगी होगी। वही गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए बिजली 14.16% महंगी हो गई है। प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए बिजली 7.61% महंगी हो गई है। एलटी इंडस्ट्री के लिए बिजली 11.21% महंगी हो गई है। एचटी इंडस्ट्री के लिए बिजली 11.05% महंगी हो गई है। मिक्स लोड के लिए बिजली 15.54% महंगी हो गई है। रेलवे के लिए 22.12% बिजली महंगी हो गई है। वहीं ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 13.64% महंगी हो गई है। यूआरसी द्वारा वर्ष 23-24 का टैरिफ निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यूपीसीएल उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हुई है, और जो लास्ट ईयर मार्च में टैरिफ दिया गया था उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। बिजली की ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। करीब 7,000 मत्स्य पालक अब कमर्शियल के बजाय कृषि उपभोक्ता के तौर पर बिजली का लाभ ले सकेंगे। 10 दिन में बिल का डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ता को 1.5% और अन्य माध्यम से 1% की छूट मिलेगी। किसान अगर ट्यूबवेल का बिल 1 माह में जमा कराएगा तो उसे 5% की छूट दी जाएगी। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही है कि जिस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश में दिन प्रतिदिन बिजली महंगी हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।